हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है निशांत, ये है मेरे दोस्त दीपक और हम दोनों हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़। वेलकम टू आवर चैनल अरे वाह जीनियस। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियोज़ में कि एटीसी का जो नया रिक्रूटमेंट आ गया है, हम उसके लिए आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट सोर्स स्टडी प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग कैसे अपना जो कंटेंट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एटीसी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में एक बार हम बाइसेक्शन कर देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सेक्शन से आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं। आपके हमने जो पिछले वर्ष पाया गया, पिछले ईयर्स पाया गया, लास्ट ईयर्स में एटीसी के जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चंस 60 और 60 में डिवाइडेड होते हैं, जो कि 60 में एक टेक्निकल पोर्शन होता है, एक नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है। जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है हम उसकी पहले बात करते हैं। अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन की हम बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 15 मार्क्स का रहता है, रीजनिंग आपकी 15 मार्क्स की रहती है, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स की रहती है और जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स का रखा जाता है। ये तो था आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन। जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का रहता है, मैथमेटिक्स मीन्स क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स, फिजिक्स जो रहती है 30 मार्क्स की रहती है 11th एंड 12th की फिजिक्स। अब चूंकि सिलेबस इतना डीप है, इतना वास्ट है 11th एंड 12th का, अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत, लेकिन एटीसी में कभी भी इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से एक सुपरफिशियली पूछा जाता है, बस आपको वो टॉपिक गो थ्रू होना चाहिए। आप बस क्वेश्चंस आसान ही आते हैं, बट क्या है ना, टफनेस सिलेबस को बढ़ा के टफनेस को दिखाया गया है। रही बात बेस्ट सोर्स की, कंटेंट्स की, मार्केट्स में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं। हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमारे ओन एक्सपीरियंस पे देंगे, ओन जेन्युइनिटी पे देंगे, हमने किस राइट पाथ को फॉलो किया वो बताएंगे। कुछ प्रिपरेशन दो मोड में होती है, आपको अपने मोर प्रैक्टिस के लिए बुक्स तो रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ वीडियोस ट्यूटोरियल्स भी हमको फॉलो करना पड़ता है। और हमने ऐसा पाया कि लास्ट कुछ टाइम पे ना कट ऑफ जो है इंक्रीज हुई ही है। तो अगर हम सोर्स की बात करें, रही बात आपके एप्टीट्यूड के लिए, हमने आपको बताया एप्टीट्यूड के लिए किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक आती है, राइट? हाँ। और रीजनिंग के लिए कौन सी बुक आप बताएंगे? रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की फॉलो कर सकते हैं, एसएससी टाइप मतलब उसके जो प्रीवियस ईयर्स हैं आप 3-4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। रीजनिंग में भी पर्टिकुलरली इसमें टारगेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शंस के और सिटिंग अरेंजमेंट के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं नंबर सीरीज, कुछ पर्टिकुलरली 5-6 टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रही बात इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज के आप नीतू मैम की एक इंग्लिश की बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने काफी जो उनकी जो बुक्स है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए दी बेस्ट मानी गई है, ठीक है। रही बात जनरल अवेयरनेस की, वो तो आपको करंट अफेयर्स फॉलो करना ही पड़ेगा मंथली, मोस्टली क्वेश्चन तो उसी से ही रहते हैं आपके, 2-3 मंथ्स का सफिशिएंट। हाँ, और रही बात मैथमेटिक्स की, जो कि टेक्निकल पोर्शन है 30 मार्क्स, उसके लिए आपको 11th एंड 12th क्लास का मैथमेटिक्स आना चाहिए, जो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ एलिमेंट से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। फिजिक्स के लिए भी 11th 12th का आना चाहिए, बट उसमें भी हमने जो पीछे जो ट्रेंड पाया गया है वो काफ़ी, हमने जो पाया है ट्रेंड की उसमें जो टॉपिक्स रिपीट करते हैं वो हम आपसे एक बार शेयर कर देते हैं, एक बार बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें जैसे फिजिक्स की, 11th 12th में फिजिक्स में अराउंड 25 चैप्टर्स हैं, तो सबका वेटेज इक्वली नहीं है। हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करने के बाद 12th के जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स, इनसे ऑलमोस्ट 30 में से 13-14 इवन मेनी टाइम्स हमने देखा है कि 15 क्वेश्चन तक आते हैं, राइट? 4 चैप्टर 15 क्वेश्चन वेटेज, मतलब 50% क्वेश्चन आपके 12th के भी पर्टिकुलरली 4 चैप्टर से आ रहे हैं। तो आपको एक पूरी एनर्जी अपनी पहले उन क्वेश्चंस पे सॉल्व करने में अपना या प्रिपरेशन में लगानी है, जिससे कि आपका मैक्सिमम मार्क्स आपको जो अपने एफर्ट्स है ना, आपके जो अपने एफर्ट्स की जो शुरुआत करनी है वो वहां से करनी है जहां पर जो टॉपिक्स मैक्सिमम कवरेज रखते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि एटीसी के नाम पे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे, फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, जो भी है, बट वाट वी आर रिकमेंडिंग यू इज द मोस्ट सुटेबल एंड ट्रस्टेड। इवन हमने भी हमारी प्रिपरेशन डेज में वही फॉलो किया था। क्यों, आपने वही फॉलो किया था ना? बिल्कुल मैंने 2022 में जो लास्ट जो था, हमने जो फॉलो किया था, योर पीडिया से कोर्स परचेज किया था। अब एक आप देखो, हम वही चीज आपको बताते हैं जो हमने प्रैक्टिस की होती है, जो हम प्रिपरेशन करके आगे बढ़ते हैं वही चीज हम आपसे शेयर करते हैं। और यहाँ पर भी हम जब एयरपोर्ट अथॉरिटी में, हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं कि आखिरकार हमने प्रिपरेशन कैसे की। नो डाउट हमने किताबों का जरिया रखा, बट एक 11th 12th पढ़े काफी समय हो गया है, एक थ्रू आउट द 50 डेज हमको मोटिवेटेड भी रहना, प्रिपरेशन भी रखना है, थ्रू आउट 8-10 आवर्स भी पढ़ना है। तो उसके लिए हमने कोर्स भी रेफर किया था, और वो कोर्स जो था काफी मिनिमल प्राइस में था, कुछ 2000 के आसपास हमको मिल गया था। हमने जो कोर्स
परचेज किया था वो योरपीडिया का था। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हमारी पेमेंट का भी कि हमने कैसे किया था, हमने भी लिटरली वहां से प्रिपरेशन किया था। और वो जो कोर्स रहता है ना वो बहुत अप्रोप्रिएट रहता है और टू द पॉइंट रहता है जो भी एग्जाम जो है आपका एटीसी के लिए। वो कोर्स वेल डिजाइन है एकदम, मतलब जैसे किसी चैप्टर की अगर ज्यादा वेटेज है तो उसको ज्यादा टाइम दिया हुआ है, किसी चैप्टर की वेटेज कम है तो ऊपर ऊपर से मतलब विद इन 2-3 आवर्स में भी समझाया हुआ है, मतलब वेटेज के अकॉर्डिंग उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है। और फिलहाल जो है यूरपीडिया एक अपने नए बैच के साथ, नए कंटेंट के साथ एकदम रेडी है। आपको अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सारा सिलेबस आप अगर पर डे 12 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो उनके पास एक रिकॉर्डेड पूरा कंटेंट रेडी है। आप उसको पढ़ के अपना जो भी कंटेंट है उसको 30 दिन में भी कवर कर सकते हैं। यूरपीडिया ने जितने भी 6 टॉपिक्स हैं उन सब पे रिकॉर्डेड क्लासेस बनाई हुई हैं। 6 टॉपिक्स कौन से? 1 इज मैथमेटिक्स 11th 12th वाला, फिजिक्स 11th 12th वाली, देन 4 सेक्शन आपके नॉन टेक्निकल के जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस है। उनके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2000 क्वेश्चंस दिए गए हैं ई बुक्स के साथ में। उसके साथ में ही आपको 2000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, वो टेस्ट सीरीज भी आपको इंक्लूडेड ही रहेगी। ठीक है, आप एक्सेस कर सकते हैं 50 डेज तक, कोई उसमें डाउट नहीं है। एक डेडिकेटेड जो भी कैंडिडेट्स जो कोर्स परचेज कर रहे हैं ना वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे। एक्चुअली 50 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उनकी और कोर्स की ड्यूरेशन आप 6 मंथ तक एक्सेस कर सकते हैं। यस और जो कैंडिडेट्स रहेंगे ना उनका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, फैकल्टीज उसमें एडेड रहेंगे, आपको कोई भी डाउट आए आप वहां पे क्लिक करें, पोस्ट करें, रेगुलर टाइम टेबल आता रहेगा। और जो कोर्स की जो फीस रखी गई है ना, अगर आप बात करें रिकॉर्डेड की तो वो सिर्फ 2199 रखी गई है। अगर आप रिकॉर्डेड प्लस नए सेशन के साथ लाइव सेशन भी लेना चाह रहे हैं तो वो 3199 रखी गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि 2199 इज टू मच जस्टिफाइड। उसमें भी 10% का डिस्काउंट भी रखा गया है अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं ATCG10। सो ATCG10 जो रखा गया है तो वो अराउंड आपको 1980 का पड़ जाएगा, 1980 रुपए का आपको वो पड़ जाएगा रिकॉर्डेड। जो फ्रेश कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस भी होंगी वो आपको 2880 को पड़ जाएगा। मेरा ये मानना है कि 2000 और 3000 में आपको कंप्लीट क्लासेस के साथ में, नोट्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, मेंटरशिप के साथ में आपको कंटेंट रेडी है। और ये क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही है दोस्तों। अगर आप लिटरली अगर आप, मैं चाहता हूं, पता है क्या, पिछला जो पेपर हुआ था ना कॉमन कैडर का, उन्होंने सिर्फ 2 महीने के बाद में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। अगर आप असमंजस में रहते हैं ना तो आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना, मिस कर जाते हैं। ये फ्रॉम डे वन आप हेड स्टार्ट लेके चलिए ना। और मैं नहीं कहता यार आपको अननेसेसरी बहुत हाई कोर्स परचेज करना चाहिए, बहुत जो ओवर प्राइस है, दिस इज ऑप्टिमम द क्वालिटी दे आर गिविंग इज रियली रियली ग्रेट। मेरा ऐसा ही आप सबसे मानना है। जो भी स्टूडेंट्स जिनको काफी समय हो गया 11th का पढ़े हुए, 12th का पढ़े हुए, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि यार ATCM में आएंगे तो अच्छा है, उनको एक चाहिए, तो वो डेफिनेटली दे कैन परचेज। एवरी डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन, इवन हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप कोर्स परचेज करने से पहले हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या फिर फैकल्टीज से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनके भी कम्युनिकेशन डिटेल्स हमने स्क्रीन पे लगा रखे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बन जाएंगे। आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डाउट, कोर्स परचेज से रिगार्डिंग, क्लासरूम से रिगार्डिंग, कुछ भी आपको डाउट आ रहा हो ना, कोई क्वेश्चन से रिगार्डिंग, सब्जेक्ट से कैसे प्रिपेयर करें, कंप्लीट थ्रू आउट हम आपको गाइड करेंगे। आपको कहीं पर भी हेजिटेट नहीं करना है। हम बस ये चाहते हैं जो आपका जो 500 वैकेंसीज है ना ये आपका मिस ना हो। अभी और भी रिक्वायरमेंट है ATCs की, हम इन फ्यूचर और भी वैकेंसीज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल ही हमने ATC का रिक्रूटमेंट 400 वैकेंसीज के साथ 2 बार देखा गया है, और अब फिर से हमने 500 वैकेंसीज के साथ फिर से देख लिया है, और आने वाले 6 महीने भी डेफिनेटली देखना। तो अगर आप इस समय पे आप ATC की प्रिपरेशन को चुनते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट करेगा। रही बात कट ऑफ की, मैं आपको पिछला कट ऑफ बता देता हूं, जो आउट ऑफ 120 था UR को 95 रखा गया था। हाँ, unreserved, unreserved तो 95, OBC का था 90, SC का था 90-91, SC का था 85 एंड ST का था 80s, ये हमने अप्रोक्स बताया। लेकिन चूंकि इस बार सीटें बढ़ गई हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ सकता है, राइट? मुझे नहीं लगता। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पिछले पेपर में सेलेक्ट नहीं हो पाए और कट ऑफ के आसपास रहेंगे, तो उनका ऑलरेडी 50-70% सिलेबस कवर है, उनको जस्ट एक रिफ्रेश करना है और टेस्ट सीरीज लगानी है और मतलब अपने कंटेंट को थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। और सेम 1 मार्क्स का मे बी डिफरेंस पड़ेगी, 95 से 94 हो जाएगा कट ऑफ, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
यार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। और जो कैंडिडेट्स बीएससी ग्रेजुएट्स हैं, बीटेक ग्रेजुएट्स हैं या फिर अपने फाइनल ईयर में हैं जिनका रिजल्ट आने ही वाला है, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई इट, दे आर एलिजिबल फॉर। हमने ऑलरेडी वीडियोज बना रखी है एलिजिबिलिटी को लेकर, वॉइस टेस्ट को लेकर, अलाउंसेस को लेके, पर्क्स को लेके, एटीसी इंटरव्यूज के साथ में एटीसी का कल्चर क्या रहता है, ट्रेनिंग सेशन क्या रहता है, हम ऑलरेडी काफी वीडियोज बना चुके हैं दोस्तों। आपको कहीं पर भी हेजिटेशन नहीं करना है। हाँ, वीडियो लाने में हम थोड़ा समय ले लेते हैं क्योंकि हमको कुछ चीजें को रिव्यू भी करना पड़ रहता है कि क्या ये चीज सही रहेगी। और फाइनली हम एक फाइनल एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि यही एक बेस्ट रहेगा कि अप्रोक्स 2000 रुपीज में किसी कैंडिडेट को अगर ये कंटेंट मिल रहा है, रेडी अवेलेबल मिल रहा है, ये स्टार्ट हो गया है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। द टीम इज रियली एक्सपीरियंस टीम। रही बात उनका पिछला सिलेक्शन भी काफी, 346 सिलेक्शन किए उन्होंने पिछले साल में दो वैकेंसीज को मिलाकर, राइट। मैं सभी कैंडिडेट्स को जो भी एस्पायरेंट हैं एटीसी के लिए उनको एक पर्सनल अपनी एक सलाह देना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स अर्ली स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें क्या एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं होता है। लास्ट आई थिंक अभी 20 अक्टूबर के अराउंड टाइम हुआ है और मतलब जो एक्सपेक्टेड है, जो मैं गैस कर रहा हूँ, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, 20 दिसंबर के आसपास एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से लगभग 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में एग्जाम टारगेटेड किया जा सकता है। इट कैन बी सी, वी रियली नो, किसी को भी नहीं पता एग्जाम होगा कब, लेकिन हम सबको ये पता है कि यार ये कंटेंट है, हम क्यों ना अपना जो, लेकिन एक बात है 30 नवंबर से पहले तो एग्जाम होगा नहीं क्योंकि वो तो लास्ट डेट रखी गई ना, क्यों ना हम एक टारगेट बना के चले जो 30 नवंबर है वहीं तक हम अपना 80% सिलेबस को कवर कर दें, तो सोचो हमारे पास कितना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, रेस्ट के दिन हमारे पास एक एडवांटेज की तरह काम करेंगे। बिल्कुल। तो जो यूरोपीडिया का जो ड्यूरेशन है, जो उन्होंने कोर्स को डिजाइन किया है, 50 डेज स्ट्रेटजी उन्होंने डिजाइन की हुई है, तो अप्रोक्सीमेटली उनका 10 दिसंबर के आसपास तक पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। और पर्सनली मैं अपने टाइम के मतलब जब मैंने प्रिपेयर किया था तो उसका मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो लास्ट में बिल्कुल पैनिक हो गया था, वो मतलब बहुत क्रैश सिचुएशन हो जाती है यार। जब मैंने कोर्स परचेज किया था उस टाइम मेरे पास 30-35 डेज का ड्यूरेशन बचा था, तब भी मैंने प्रिपेयर किया, तो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि 2 महीने में कैसे हो पाएगा, बिल्कुल कम टाइम है, अब स्टार्टिंग से परचेज करो ना। जब शुरू में स्टार्ट कर दोगे तो जो स्टूडेंट 20-30 डेज के बाद नेक्स्ट मंथ फॉर्म फिलअप करने के बाद स्टार्ट करेगा उससे आप डेफिनेटली आगे ही रहने वाले हो, तो आप एक स्टार्ट लीजिए और प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कम्युनिकेट कीजिए, यूरोपीडिया की जो टीम है उससे कम्युनिकेट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स हैं उन पे आप पोस्ट कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना है और अर्ली स्टार्ट करना है दोस्तों। लिटरली मैं चाहता हूँ ये 500 जो वैकेंसीज है ना आपको मिस नहीं करनी है, दिस इज माई टारगेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट एंड तक आपके साथ रहेंगे और आपका साथ देते रहेंगे, आपको घबराना नहीं है, आप बस प्रिपेयर रखना है, कहीं पे भी आपको डाउन फील हो हमसे कम्युनिकेट करना, हम लोग आपका साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सजेशन है आप यूरोपीडिया का रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप न्यू लाइव प्लस कर सकते हैं जिसमें हमारा कोड है ATCG10, 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, जो बेस्ट डील आई एम सेइंग और बेस्ट फैकल्टी के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में, दैट्स अवर सजेशंस। ओके, आई विश यू बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, जो आप स्टार्ट करें, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया स्टार्ट कर दीजिए, काफी समय हो गया नोटिफिकेशन आए हुए। ओके, इंडिकेटिव नोटिफिकेशन आए हुए तो ऑलमोस्ट 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा, तो प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को गो थ्रू कीजिए, हम कंटेंट लाते रहते हैं आप सबके लिए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, बाय बाय।